हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आप लोगों के आगे का जो चैप्टर है वो लेकर आया हूँ, जो कि आपका ओ अने एनी मात्राओं, यानी क्या है, ओ और ए की मात्राएं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है, क्योंकि आप लोगों को स्वर तो अच्छे से लर्न हो ही गया होगा गुजराती में। तो ये ओ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क प्लस ओ को बराबर, तो को, तो यहाँ पर म प्लस ओ की मात्रा प्लस र मोर, क प्लस ओ की मात्रा प्लस य प्लस ल कोयल। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है कि इन शब्दों को इस तरह से अपने नोटबुक के अंदर, यानी आप लोगों की जो गुजराती की नोटबुक है उसके अंदर लिखना है और साथ में समझना भी है। जैसे यहाँ पर हर एक अक्षर लिखा हुआ है आप लोगों के, और साथ में इसमें मात्रा लगा दी है, तो क्या हो गया, हो सो रो मो खो तो को गो बो लो पो। तो ये सब क्या है, ओ की मात्रा लगाने से ये चीज हो जाती है, यहाँ पर ये चीज बताई है। तो आप लोगों को इसको पढ़ना भी है, याद भी करना है, और साथ में अपने जो गुजराती की नोटबुक है उसमें लिखना भी है। उसी तरह से आप यहाँ देखोगे ओ की मात्रा, ओ की मात्रा में क प्लस ओ को क को, तो यहाँ पर च प्लस ओ की मात्रा प्लस द चौध, फिर अ प्लस ओ की मात्रा प्लस स प्लस द औषध। तो इस तरह से आप लोगों को क्या है, ये मात्रा ओ और ओ दोनों की मात्रा आप लोगों को लर्न करना है और साथ में अपने नोटबुक में लिखना भी है। तो आप लोगों को ये जो मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ठीक, आप इसी तरह से अपना जो ये चैप्टर है इसको लिखें और समझें और याद भी करें। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।